हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबसे नूडल्स मसाला पाउडर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे आप फ्राइड राइस में भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून मेथी, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर कॉर्न, 15 लौंग, 2 जावित्री, 3 स्टार एनिस, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 बड़ा दालचीनी और 1/2 जायफल ले लिया है और सबको मैं ड्राई रोस्ट करूंगी, फिर पाउडर बनाऊंगी। और ज्यादा देर तक रोस्ट नहीं करना है, बस 1/2 मिनट। पहले मेथी ऐड करूंगी, फिर सारे स्पाइसेस को ऐड कर दूंगी और 1/2 मिनट तक रोस्ट करना है। मसाला को रोस्ट करने के बाद ठंडा करके ग्राइंडर जार में ऐड कर दिया है। अब मैं इसका पाउडर बना लूंगी। पाउडर बनाने के बाद इसमें कुछ मसाले और ऐड करूंगी। 1 टेबल स्पून नमक ऐड करूंगी, 1 टीस्पून सिट्रिक एसिड ऐड करूंगी। और अगर आप सिट्रिक एसिड नहीं लेना चाहते हैं तो 1 टीस्पून अमचूर ऐड करें। 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करूंगी। आप चिली फ्लेक्स अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर भी ऐड करूंगी। 1.5 टेबल स्पून ओनियन पाउडर, 1 टीस्पून सौंठ पाउडर। सौंठ पाउडर ऐड करने के बाद 1 टीस्पून मैंने अजीनोमोटो ऐड किया है। अजीनोमोटो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। फिर मैंने 1 टेबल स्पून चीनी ऐड किया है, 1 टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर ऐड करके एक बार फिर से ग्राइंड करना है, 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट ऐड करना है। काला नमक ऐड करने के बाद 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करूंगी, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर भी ऐड करूंगी। रेड चिली पाउडर ऐड करने के बाद एक बार फिर से ग्राइंड करना है। नूडल मसाला पाउडर तैयार हो गया। इस मसाले से आप फ्राइड राइस, पास्ता, मैक्रोनी, चाउमीन कुछ भी बना सकते हैं।